नमस्कार, स्वागत है आपका मगन। इस पर तारीख आज हो चुकी है 8 जनवरी 2023, दिन है रविवार, हिंदी तिथि माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान, अब आसानी से मिलेगा 5,000 रुपए तक का लोन। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार साल 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 रुपए तक की माइक्रो लोन की सुविधा देने पर खास जोर देगी। वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि 2023 में रेहड़ी पटरी वालों को 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के छोटे लोन की जरूरत को पूरा करने के लिए आसान तरीके से ऋण की सुविधाएं जो है मुहैया कराने पर खास ध्यान दिया जाएगा। वही अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश में सभी हिस्सों तक 4G और 5G सेवाओं को पहुंचाने को लगभग 52,000 करोड़ रुपए आवंटित यहां पर इसके लिए किया है। वही मंत्री ने कहा कि देश इस साल स्वदेशी रूप से विकसित 4G और 5G प्रौद्योगिकी को लागू होते देखेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को दी है बड़ी सौगात, किसानों को अब कर्ज होगा माफ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। दरअसल योगी सरकार ने 33,000 से ज्यादा किसानों का नए साल का तोहफा जो है उनको दिया है। प्रदेश के 33,408 किसानों का कर्ज माफ करने का जो आदेश है वो जारी किया है, शासन आदेश जारी कर दिया है। वही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शनिवार को वाराणसी में इस बारे में यहाँ पर जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। शाही ने बताया है कि 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कैबिनेट में किसानों के कर्ज माफी का निर्णय यहाँ पर लिया गया था। इसी के तहत लाखों किसानों का कर्ज माफ यहाँ पर हुआ था। उसी दौरान किन्हीं कारणों से छूट गए 33,408 किसानों को भी यहाँ पर 190 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो माफ किया जाएगा। वह सरकार ने इस बारे में जो यहाँ पर 5 जनवरी को जो गजट है वो यहाँ पर इसके लिए जारी कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 5G ने रखे राजस्थान के इन शहरों में कदम, CM अशोक गहलोत ने शुरू की है सर्विस। राजस्थान में दूरसंचार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राजधानी में 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत की। इसके साथ ही अब 5G राजस्थान में अपने कदम यहाँ पर रख चुका है, जिसे सबसे पहले यहाँ पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में एक साथ यहाँ पर 5G टेली कम्युनिकेशन सर्विस की शुरुआत की गई। बता दें आपको कि CM गहलोत ने स्टेट डेटा सेंटर जयपुर में कार्यक्रम के तहत इन शहरों में जियो 5G की सेवाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में CM के साथ साथ मंत्री जो है शांति धारीवाल और महेश जोशी और प्रताप सिंह कासियाबाद के साथ साथ सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कालीचरण सरप और इसके अलावा अमीन कागजी और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा भी मौजूद रही। इस दौरान CM ने कहा कि अब पूरे राजस्थान में हर जिला और तेसरे स्तर पर 5G जो सेवाएं मोबाइल सर्विसेज है वो पहुंचने वाली है। वही दिसंबर 2023 तक इसे पहुंचने का जो लक्ष्य यहाँ पर इसे पहुंचाने का जो लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था वो यहाँ पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। वही आगे उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन की रफ्तार बढ़ने से चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक और कृषि और शिक्षा मामले में भी रफ्तार यहाँ पर आएगी। वही कार्यक्रम में शामिल हुए UDS मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि राजस्थान में दूरसंचार कंपनियों के जरिए 5G सेवाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए सरकार ने पॉलिसी यहाँ पर बनाई है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कहा है कि कई नए ग्राहकों को नए दस्तावेजों के साथ KYC अपडेट करानी पड़ सकती है। कई मामलों में जहां नए दस्तावेजों की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में ग्राहक या तो यहां पर बैंक जाकर इस काम को पूरा करें या फिर घर बैठे वीडियो बेस्ड जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वीकीप के माध्यम से यहाँ पर KYC अपडेट करा सकते हैं। वही कहा जा रहा है कि बैंकों को अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होता है और अगर उनके पास मौजूदा रिकॉर्ड से आपके वर्तमान दस्तावेज मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें यहाँ पर KYC अपडेट यहाँ पर कराना होगा। वह RBI ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं। वह RBI ने कहा है कि ग्राहक रजिस्टर्ड फोन नंबर, बैंक की ऐप या फिर ऑनलाइन या इंटरनेट या बैंकिंग सर्विसेज के जरिए KYC को दोबारा जो है यहाँ पर अपडेट है वो कर सकते हैं। वही आगे उन्होंने कहा है कि अगर बैंक के पास मौजूदा दस्तावेज अब आधारित तौर पर मान्य दस्तावेजों की सूची से मेल नहीं खाते हैं तो नई KYC करानी होगी। साथ ही अगर ग्राहक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की मान्यता खत्म हो रही है तभी भी यहाँ पर KYC कराना अनिवार्य होगा। वही घर का पता बदलने पर भी ग्राहकों को इसी KYC अपडेट यहाँ पर बताना होगा। जब ग्राहक सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर KYC जमा करेंगे तो बैंक को इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो यहाँ पर देना होगा।
बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर दी कि इन किसानों को नहीं मिलेगी 13वीं किस्त। पीएम किसान समृद्धि योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई। दरअसल अगर आप भी पीएम किसान समृद्धि योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार ने पीएम किसान योजना को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया। यदि आप इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको 13वीं किस्त से वंचित रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय रहते किसानों को जो सरकार को नियम है उनको यहाँ पर फॉलो करना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने केवाईसी जो नहीं करवाई है ईकेवाईसी, वो यहाँ पर किसानों को कराना जरूरी है। दरअसल जिन किसानों ने केवाईसी नहीं कराई थी उन्हें पिछली बार 12वीं किस्त के पैसे नहीं मिले थे 2000 रुपये, उनके खाते में अभी तक स्कीम के 2000 रुपये अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पहले ईकेवाईसी कराने के लिए पात्र किसानों से अपील की थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक अब सरकार किसानों की जमीन का जो सत्यापन है वो करवा रही है। इसे यदि आप पीएम किसान समृद्धि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको जो भू सत्यापन है वो जरूर करा लेना चाहिए, नहीं तो आपको 13वीं किस्त के 2000 रुपये से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 13वीं किस्त की लिस्ट जो है बनाई जा रही है, जानकारी के मुताबिक इस महीने यानी जनवरी महीने के अंदर ही यहाँ पर पात्र किसानों के खाते में जो है 2000 रुपये की राशि जो है वो यहाँ पर क्रेडिट जो है वो की जाएगी। वही आपको बता दें कि ई केवाईसी कराना भी सभी किसानों के लिए जरूरी है, क्योंकि स्कीम में चल रहे फर्जीवाड़ा किसी से छिपा नहीं है, इसलिए अब सरकार जो है सख्त हो गई है। बिना ई केवाईसी के आपको 13वीं किस्त के 2000 रुपये है वो नहीं मिलेगी, यानी 2000 रुपये आपको नहीं मिलेगा, और आपको जो भू सत्यापन है वो भी आपको लिए कराना जरूरी होगा। अगर आप भू सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, इन कर्मचारियों को मिलेगा फेस्टिव एडवांस, अकाउंट में क्रेडिट होंगे 10,000 रुपये। होली आने में अभी 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के फेस्टिव एडवांस देने की रूपरेखा को अभी यहाँ पे तैयार करना शुरू कर दिया है। दरअसल बात यह है कि विभागवार ऐसे कर्मचारियों का डाटा तैयार किया जा रहा है जिन्हें होली पर 10,000 रुपये की जो आर्थिक मदद है वो दी जाएगी। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि 28 फरवरी तक एडवांस के आवेदकों की लिस्ट जो है मतलब आ जाएगी, उनकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है। साथ ही होली पर यहाँ पर होली से महज 3 दिन पहले जो पात्र कर्मचारी उनके खाते में जो पैसा है वो जमा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फेस्टिव एडवांस देने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये होता है कि सरकार जो है कर्मचारियों का यहाँ पर त्यौहार जो है वो खुशी से मने, क्योंकि कई बार त्यौहार ऐसे समय पर पड़ता है जब कर्मचारियों की सैलरी जो है ख़त्म होती है, इसलिए होली पर यहाँ पर दिवाली से पहले यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को इस तरह का एडवांस जो है वो दिया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए कुछ खबरें देखिए, अब स्टेशन पर मुफ्त मिलेगी ये सुविधा। रोजाना लाखों लोग जो है ट्रेन से सफर करते हैं, वे रेलवे से सफर यहाँ पर लोग जो है वो करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे समय समय पर नई सुविधाएं जो है शुरू करता रहता है। इस बीच रेलवे की तरफ से स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक अहम सुविधा जो है अभी दी जा रही है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर रोजाना लाखों यात्रियों का आना जाना होता है, ऐसे में अगर ट्रेन लेट हो जाती है या फिर यात्री टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो यात्री जो है उनको स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। अब रेलवे की तरफ से स्टेशन पर मौजूदा यात्रियों के लिए खास जो सेवा है वो शुरू की गई है, खास सुविधा जो है वो शुरू की गई है। दरअसल देश में डिजिटल सिस्टम का प्रचार हुआ इसी कड़ी में यहाँ पर रेलवे की तरफ से रेलवे स्टेशनों पर लोगों के लिए वाईफाई की सुविधा जो है फ्री यहाँ पर दी जा रही है। हजारों रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बिना किसी शुल्क के वाईफाई की फ्री सुविधा जो है यहाँ पर दी जा रही है, जिससे लोग जो काफी यहाँ पर लोगों को सुविधा मिल रही है। दरअसल अब तक भारत में रेलवे नेटवर्क के हजारों स्टेशनों पर वाईफाई सिस्टम जो है एक्टिवेट हो चुका है। फिर रेलवे की तरफ से हर स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में अगर कोई यात्री रेलवे स्टेशन पर जाता तो उसको यहाँ पर ट्रेन में आने जाने का समय तो आने पाने का आने में अगर समय है तो रेलवे स्टेशन पर वाईफाई का इस्तेमाल करके अपना जो मनोरंजन है वो कर सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो 9 साल बाद मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देने की है तैयारी, बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023 24 का बजट पेश करेगी। इस बार इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को काफी उम्मीद यहां पर है। दरअसल माना जा रहा है कि 9 साल बाद इनकम टैक्स को लेकर कुछ बड़ी जो घोषणा है वो होने की उम्मीद है, बड़ी घोषणा यहां पर हो सकती है, इसके लेकर बड़ी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। दरअसल बात यू है कि मोदी सरकार जो है अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी अभी यहाँ पर जो फुल बजट है वो पेश करेगी। इस साल राजस्थान और MP और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं,
वहीं इसे आम चुनावों का सेमी फाइनल माना जाता है। इसे उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार बजट में इनकम टैक्स मिडिल अपर इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को कुछ राहत की घोषणा उनके लिए कर सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो वित्त मंत्री बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ खबरें दे सकती है। अभी जो 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। साथ ही 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलहाल इस स्लैब में आने वाले टैक्स पेयर्स पर 20% टैक्स लगता है, वह सरकार 10% का नया स्लैब जोड़ने का प्लान बना रही है। बजट में इसकी घोषणा जो है वो भी हो सकती है। वहीं अगर ऐसा हुआ तो 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले टैक्स पेयर को कम टैक्स देना होगा। फिलहाल 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इस समय पुराने टैक्स सिस्टम में 5 टैक्स स्लैब है, इसमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स जो है फ्री है। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5% और 5 से 10 लाख की इनकम पर 20% का जो टैक्स है वो लगता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के XBB.1.5 वेरिएंट का दुनिया में महामारी का नया खतरा। चीन में कोरोना के BF7 वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। हालात इतने बुरे हैं कि चीन सरकार को दुनिया को सफाई देनी पड़ रही है, जिसमें से स्वास्थ्य संगठन पर चीन के गुलाम होने का आरोप लगे हैं। उसने भी बीजिंग की आलोचना यहाँ पर की। इस बीच चीन ने दुनिया भर के 130 से ज्यादा राजदूतों को जुटाकर कोरोना पर अपनी तैयारी और रोकथाम के उपायों के आंकड़ों को लेकर जानकारी दी है। WHO ने चीन में महामारी की रफ्तार को देखते हुए कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा यहाँ पर जताया था। इसके तुरंत बाद चीन ने XBB.1.5 वेरिएंट के कई मामले यहाँ पर मिले हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि ये नया वेरिएंट चीन में कोरोना की नई लहर का कारण बन सकता है। दरअसल अब चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी चाइना CDC ने एक लेख लिखकर इन दावों का खंडन किया है। वह चीनी CDC ने अपने आधिकारिक जो अकाउंट है WeChat अकाउंट से लिखा है कि कोरोना के XBB.1.5 वेरिएंट के कारण कम से कम 3 महीनों की छुट्टी अवधि के वेतन चीन में बड़े पैमाने पर महामारी की संभावनाएं बहुत ही कम है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चीन में सबसे ज्यादा BA.5.2 और BF.7 वेरिएंट के जो मामले हैं वो मिल रहे हैं। वही देश के अंदर कोरोना की अगर बात करें तो देश में कोरोना के मामलों में फिलहाल जो बढ़ोतरी का जो सिलसिला है वो जारी है। पिछले 24 घंटों के अंदर पूरे भारत में कोरोना के 214 नए केस सामने आए हैं, यानी 214 नए केस सामने आए हैं। वही लगातार जो मामले हैं अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जो